असलम आई वेलकम यू टू देंड लेक्चर ऑन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कोर्स द सेकेंड लेक्चर डेट वी हैव टूडे इज ऑन द इशू वैदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नाट आपको याद होगा कि जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी तफसील से इंटरनेशनल लॉ की लेंथ और ब्रेथ के बारे में आपको बताया था और उसमें हमने बहुत से एग्जांपल्स डिस्कस किए और हमने बताया कि बेशुमार ट्रीटीज़ मल्टी लेटरल इदारे दुनिया भर में काम कर रहे हैं और उसके अलावा हमने ये भी बताया कि कैसे इस लॉ का इतलाक़ पाकिस्तान पर आप पर मुझ पर और हमारी डेली लाइफ पर होता है लेकिन जो एक बुनियादी सवाल उस वक्त भी मैंने हल्का सा रेज़ किया और मैंने कहा कि मैं उसको अपने अगले लेक्चर में लूँगा वो ये सवाल था कि क्या बैन कानून कानून है या इज़ इट अ लॉ इन अ ट्रेडिशनल सेंस ऑफ अ लॉ और नॉट ये सवाल इसलिए उभरता है क्योंकि लोग इंटरनेशनल लॉ को बड़ी जल्दी डिसमिस कर देते हैं और उनको ही नज़र आता है कि कोई आलमी कानून नामी चीज़ नहीं है क्योंकि जो ताकतवर मुल्क है उसका जो दिल चाहता है वो करता है और वगैरह वगैरह इसलिए लोग कहते हैं कि ये को कानून नहीं है ये सवाल मुझसे भी किया जाता है ये बिलाल साहब आप ये बताएं कि इज़ इंटरनेशनल लॉ इज़ ए लॉ नॉट इज़ इट इन्फोर्सेबल उसका कोई इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़म है उसमें कोई जुडिशल ऑर्गन है उसकी कोई एग्जैक्टिव की मशीनरी है ये सारे सवालात जो हैं ये एक पूरी डिबेट की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और कोई भी शख्स जो इंटरनेशनल लॉ का मुता करने जा रहा है या उसके बारे में समझना शुरू कर रहा है उसके लिए पहले इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है या सवाल को क्लैरिफाई करना ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये कानून है इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द लॉ जिसमें लोग अंडरस्टैंड करते हैं ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस सवाल के जवाब में आपको इस कानून के मखसूस फीचर्स का भी तारफ़ मिलता है या आपको यू गेट फमिलैरिटी विद द स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स ऑफ दिस लॉ and the special peculiarities of this law, that how this law is different from a normal law, and how you should consider studying it in future, and how you should train your mind for the study of international law. This is why the question arises, apart from its political debate, or the debate that happens in the drawing room, that this is not law, because people have an idea of law in their minds. लोगों के जहन में कानून का एक बड़ा वाज तस है और वो तसुर वो कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक लॉ से उन्होंने इख्तियार किया है यानी डोमेस्टिक लॉ में जब आप कानून कहते हैं तो आपके सामने एक बड़ा स्पेसिफिक सेटअप आता है और आप फिर उस सेटअप से मवाज़ना करते हैं आ, इंटरनेशनल लॉ का और जब आप उस सेटअप से मुजना करते हैं तो फिर आप डिसंट होते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि डोमेस्टिक लॉ में तो एक बायदा स्टेट का स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक लजस्लेशन है वो लजस्लेशन कानून साजी करती है उसके बाद उस लजस्लेशन में लोगों को इख्तियार दिए जाते हैं कि वो कानून साजी करें और एक भरपूर तरीका बाकायदा उसकी शक्ल है कि लोगों लोग जो हैं अपने नुमाइंदे को थ्रू बैलट ये इख्तीार देते हैं पावर डेलीगेट करते हैं कि वो उनके बिहाफ पर असम्बली में बैठकर उनके लिए कानून साजी करें और वो कानून उन पर लागू होगा तो एक नौत का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसी हवाले से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ़ पाकिस्तान गिव टू आर सेल्व दिस कॉन्स्टिट्यूशन सो जब आप वो कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं और उसके नीचे कानून साजी करते हैं तो फिर उस कानून साजी के बाद जब वो कानून निकलता है तो लोगों पर उसकी इताद की एक ऑब्लीगेशन है उस ऑब्लिगेशन को वो जब फुलफ़िल करते हुए नजर आते हैं तो उस ऑब्लिगेशन में बाजत ये होता है कि वो ऑब्लिगेशन की इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव नहीं होती तो फिर हकूमत की मशीनरी का एक सेपरेट सेटअप आ जाता है जिसे एग्जैक्टिव कहते हैं एग्जेक्टिव में आपके प्राइम मिनिस्टर हैं आपके प्रेजिडेंट हैं आपकी कैबिनेट है आपके फेडरल सेक्रटरीज हैं उनकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके बाद प्रोवेंस की एग्जैक्टिव है उसके बाद प्रोवेंस की एग्जैक्टिव की वही मशीनरी है चीफ सेक्रेटरी है एडिशनल सेक्रेटरीज हैं कमिश्नर्स हैं और दूसरे अफसरान हैं और यहाँ तक के, के एक आम पुलिस अफसर है या पुलिस का कांस्टेबल है जो चौक पे खड़े होकर आपको बताता है कि आपने किसी वारा काटना नहीं है सो so, इस कांस्टेबल से लेकर प्रेसिडेंट तक ये तमाम एग्जैक्टिव की एक बायदा हरारगी है जिससे मैं और आप वाकिफ़ हैं डोमेस्टिक लॉ के कॉन्टेक्स में ये एग्जैक्टिव जो है ये हमारे जहन में कानून का एक तसवर क्रिएट करती है कि कानून इन्फोर्स होना चाहिए और अगर वह इन्फोर्सबल नहीं है तो फिर वह कानून नहीं है और ये इसके पस मंजर में एक और थ्यूरी है वो थ्यूरी पोलिटिकल साइंटिस्ट की है जिन्होंने जनरली ये डिफाइन किया कि लॉ जो है वह सॉवरन की कमांड है और उसकी हैबिचुअल ओबीडियंस जो है वो रिक्वायरमेंट है उन लोगों के लिए जो उस स्टेट के सिटीजन हैं या उसके नेशनल हैं So, जब कानून कमांड की शक्ल में नहीं नजर आएगा तो लोगों को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि ये कानून है फिर तीसरा जो जज है किसी भी स्टेट का कानून की कॉन्टेक्स्ट में वो जुडिशरी है क्या आपने कानून साजी की कानून साजी के बाद आपने उसकी इताद की उसके इन्फोर्समेंट में आए एंड फॉर दट इन्फोर्समेंट यू हैवे डिटेल हर कीव अ जुडिशियल अपरेटस

अब अगर एग्जेक्टिव के इन्फोर्समेंट में उस कानून के मनते रैशनल से बियॉन्ड चली जाती है उसकी पावर्स का इस्तेमाल तो फिर जुडिशरी फॉर उसको चेक करती है कि नहीं ऐसे नहीं करो ये जो तुमने काम किया इसको फॉरन ट्रांसफर कर दिया ये गलत किया ये जो तुमने फलाने की प्रमोशन आउट ऑफ टर्न कर दी गलत की उस कानून के खिलाफ है जिस कानून के नीचे तुम अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे हो सो so 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 एक कम्प्लीट जुडिशल ऑपरेटस आपको नजर आता है जो उस उन कवानून की इता को कंप्लायंस उसकी करवाता हुआ स्टेट स्ट्रक्चर में आपके सामने है व्हेन यू हैव दीज थ्री हेरिकीज दिस थ्री स्टेट स्ट्रक्चर्स विद इन द स्टेट दैट इज व्हाट लॉ मींस टू यू जी ये कानून है बन रहा है असम्बली में उसके बाद वो जा रहा है एन्फोर्समेंट uh, uh, के लिए एग्जीक्यूटिव के पास एंड देन इट इज बीन सुपरवाइज बाई द जुडिशरी फॉर एनफोर्समेंट वेन यू कंपेयर दिस मॉडल इंटरनेशनली In the area of international law, you feel disappointed. You feel there is no international legislation. There is no international executive which can enforce. There is no international judicial organ which can call a state to an issue a summon to a state. So you feel disappointed and you say, well, since these three ingredients are not there, therefore international law is not a law. This also takes us to the other slide. इस पस में इस बैकग्राउंड में कैन वी इंसिस्ट स्टिल इट इज अ लॉ इसके लिए मैं आपको कुछ मटेरियल दिखाना चाहता हूं जो इस बात को वाजे करेगा जो मैंने आपको अभी कही कि व्हाई पीपल हैव दिस कॉन्सेप्ट दैट दे मस्ट बी अ फॉर्मलाइज्ड वे ऑफ लॉ सो इफ यू वांट टू नो वेयर इंटरनेशनल लॉ इज यू हैव डिफिकल्टी इन लोकेटिंग इट नाव इन पाकिस्तानी लॉ फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस बुक विच इज कॉल्ड पाकिस्तान कोड ना आप किसी भी वकील के ऑफिस में जाएं या किसी भी लाइब्रेरी में जाएं अपनी यूनिवर्सिटी की तो वहाँ पर आपको अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का कानून यकजा किस जगह मौजूद है तो वो आपको कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान कोड उठा लीजिए पाकिस्तान कोड एक किताब है ये एक तसलसल की किताब है जो बेसिकली हर साल एक नई आती है और समरी है उस उन कवानी की जो पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल इैयर शाये होते हैं मेरे पास जो वॉलीम है वो वॉलीम पंद्रह है जो नाइनटीन सिक्सटी थ्री और सिक्सटी फाइव के दरमियान जो कवानीन आए पाकिस्तान में उनका वह मजमू है अब इसमें मुख्तलि कवानी हैं जिनकी लिस्ट जो है स्क्रीन पर आ जाएगी मैं आपको उनमें से कुछ पढ़ के सुना देता हूँ मसला द गिफ्ट टैक्स एक्ट द फाइनेंस एक्ट द वेल्थ टैक्स एक्ट द जीनीवा कन्वेन्शन इम्प्लीमेंटिंग एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी थ्री

पाकिस्तान के कानून की बात करते हैं तो आपके सामने एक भरपूर कवानी का मजमुआ है जिसके हवाले से कहते हैं कि दिस इज लॉ और इसी तरह आप अगर किसी भी कानूनी कुतब की दुकान पर जाएं तो आपको ये किताब भी नजर आएगी जो बेसिकली सिविल मेजर एक्ट कहलाती है क्रिमिनल लॉ में भी मिल जाते हैं सिविल साइट मिल जाते हैं यह एक और जगह है जहाँ आप तारुफ हासिल कर सकते हैं उन कवानी के साथ जो पाकिस्तान में नाफज हैं सो इट गिव आइडिया ईयरवाइज

वो सामने आते हैं इस तरह की कोई कुतब दुनिया में बैन कानून में आपको नहीं मिलती इस तरह की कोई पार्लियामेंट आपको नहीं मिलती कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका नाम हो वर्ल्ड पार्लियामेंट कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जिसका नाम हो कि यहाँ पर दुनिया भर के नुमाइंदे बैठकर जो है वह उस सेंस में कानून साजी करेंगे जिस सेंस में आपकी पार्लियामेंट कानून سازی करती है जब आप ये देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये तो इंटरनेशनल लॉ लॉ ही नहीं है क्योंकि इसमें कानून साजी उस तरह होती नहीं है जिस तरह एक लोकल पार्लियामेंट में होती है ये जो आपका नतीजा है कि चूंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है ये यहां लेजिसलेशन नहीं है यहां जुडिश नहीं है इस बुनियाद पर आप ये नतीजा अखज करते हैं कि यह कानून नहीं है सबमिशन इज दैट दिस इज एन ओवर सिंप्लीफाइड कंक्लूजन दिस इज कंक्लूजन विच इज बेसिकली इन करेक्ट टू बिगिन विद There should not be a comparison. There should not be a comparison between two such entities which are inherently different. The national law of any country, like the one that I have just showed you, and international law are two different, completely different doctrines. They arise from different jurisprudence. They are applicable on different subjects and they have a different framework. If you would make a comparison between the two,

गलत कंक्लूजन है और इस कंक्लूजन की बुनियाद पर कानून को जज करना उसकी इंट्रेंजिक स्ट्रेंथ एज ए लॉ को जज करना भी एक गलत अप्रोच है सो टू बिगिन वेद यह कहना कि यह कानून इसलिए कानून नहीं है कि यह इन्फोर्स नहीं हो पाता ये एक गलत अप्रोच होगी यहां से हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जो सवाल रेज करती है और वो सवाल उसी पर्सपेक्टिव में है जिस पर्सपेक्टिव में मैंने अभी आपसे गुफ्तु की कि ये दुरुस्त है कि इंटरनेशनल लॉ में कोई फॉर्मल लेजिसशन नहीं है कोई वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं है कोई इंटरनेशनल डिप्टी कमिश्नर नहीं है देर इज नो इंटरनेशनल जुडिशल फोरम जो जिस तरह हम डोमेस्टिकली देखते हैं कि कोई बाकायदा स्टेट्स को समन दे बुलाए कि फ़ौर आओ तुमने फलानी चीज़ की वायलेशन की है हम देखते हैं कि हम उसको एडजुडिकेट करते हैं उन मानों में कोई स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है मगर सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम एक कंपैरिजन करें भी तो अगर हम इसको थोड़ा खुली नजर से करें तो हम देखेंगे कि अगर अगरचे फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है इंटरनेशनल लॉ में बट नेवर द लेस द फंक्शन विच आर परफॉर्मड बाई दर नेवर देश परफॉर्म वेरी एफिशेंटली इन इंटरनेशनल लॉ एरिया एज यानी जो पार्लियामेंट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन पार्लियामेंट नुमा फंक्शंस जो हैं वो आलमी कानून की जब उसकी डेवलपमेंट होती है उसमें परफॉर्म होते हैं ये दुरुस्त है कि वहाँ इंटरनेशनल एग्जेक्टिव या इंटरनेशनल कमिश्नर नहीं या इंटरनेशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं है, है। मगर उसके बावजूद इंटरनेशनल लॉ कम्प्लाई विद होता है ये दुरुस्त है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट इंटरनेशनल नहीं है मगर उसके बावजूद कुछ ऐसे मैकेजम्स हैं जहाँ जुडिशल सेटलमेंट्स होती हैं मैं अब आप, आपको उनके बारे में बताऊंगा। मगर एक प्रोविजो है जो मैं इस डिस्कशन में ऐड करता हूं। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पहले तो ये बात होनी चाहिए कि कंपैरिज़न गलत था इस कंपैरिज़न की बुनियाद पे कोई मफरूज़ा अखज़ करना भी गलत है कि कंपैरिज़न हो डोमेस्टिक लॉ का इंटरनेशनल लॉ का मगर चलिए नॉट विटैंडिंग द सेम और विदाउट प्रेज आर्ग्यूमेंट के दे शड नॉट बी अ कम्पेरिजन इवन इफ यू डू कंपेयर यू विल स्टिल फाइंड that the traditional international law relating to legislature, relating to executive and, and, and judiciary is, is very much in proximity with the central theme of all these areas in a formal sense. let me give you more specific examples. we talk of legislation. now, in, in, a, in a parliament, you talk of uh, a formal working in which a bill is introduced or of jante mechanism. क्या है उसका ब्रीफ़ मेकनिज़म यह है कि कुछ लोग या कुछ लॉबिस्ट या कुछ मेंबर्स मिलकर एक बिल को टेबल करते हैं और कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि यह बिल ज़रूरी है कि कार्स के ऊपर की इंपोर्ट में से टैक्स रिड्यूस कर दिया जाए या ये बिल ज़रूरी है कि कीमतें जो हैं वह ख़ासवल से ज़्यादा ना जाएँ या ये बिल ज़रूरी है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूनिफाम ख़ास शोबे की ये होनी चाहिए वग़ैरह वगैरह वो बिल लिखने के बाद फॉर्मली टेबल होता है और उस पर पार्लियामेंट के किसी एक हाउस में जो भी उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे डिस्कशन उसकी कमेंट्स होगी और उसके बाद फिर वो सेनेट में जाएगा उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा और उसके बाद फिर वो उसका अपना मैकेाननिज़म है कि वो फाइनली इसको असेंट कैसे होगी वो बिल का दर्जा या कानून का दर्जा اختیار कर जाए पाकिस्तान में भी यही मेकनिज़म है तो हर स्टेज पर डिस्कशन होती हैं हर स्टेज पर स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जो उसको मखसूस तरीके से एग्ज़ामिन करती है उस पर एक्सपर्ट ओपिनियंस दिए जाते हैं और उसके बाद कानून साजी होती है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लॉ में जब कोई ट्री टी मल्टीटरल कन्वेन्शन बनता है तो उस पर जो डिस्कशन की क्वालिटी है उस पर जो डिस्कशन का मैार है उस पर जो इनपुट जिस हवाले से जहाँ जहाँ से आता है वो गैर मामूली है और वह किसी भी तौर पर उस उनपुट इनपुट से कम नहीं होता जो नेशनल पार्लियामेंट में आता है कैसे अब एक कन्वेन्शन होने जा रहा है या एक ट्विटी बनने जा रही है ट्रिटी बनती है उसके एक अपना एक बाकायदा तफसी अमल होता है यूनाइट नेशनस की जनरल असम्बली अगर एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हमें यू एन कन्वेंशन बनाना है एक ट्विटी बनानी है करप्शन के अगेंस्ट तो वह कहती है मैंडेट देती है कि इस ट्रिटी को दो साल के अंदर इस पे गुफ्तु करने के बाद इसका टेक्स्ट फाइनलाइज किया जाए इस अमल को वो नेगोशिएशन प्रोसेस कहते हैं कि आपने एक ट्रीटी को नेगोशिएट करना है ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है ये बड़ा फॉर्मल प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि हर ट्रीटी हर ड्राफ्ट के तीन रीडिंग्स होती हैं। पहला सेशन दूसरा सेशन तीसरा सेशन पहले सेशन में मुख्तल ममालिक अपनी अपनी राय को एक ड्राफ्ट हॉम में प्रजेंट करते हैं और कहते हैं जी ये हमारा मौकाफ़ है दूसरा मुल्क कहता है नहीं ये हमारा मौकाफ़ है तीसरा मुल्क कहता है नहीं मुझे जो आ, किसी मुल्क के मौकफ़ से इख्तिलाफ़ है मेरा ख्याल हमारा मौकफ अब ये है और ये जब सब चीज़ें सामने इकट्ठी हो जाती हैं देन दे आर कन्वर्टेड इंटू अर इज़ कॉल्ड अ रोलिंग टेक्सट यानी एक टेक्स्ट जो मु, जो मुतहरिक है जो डायनामिक है जो रोल कर रहा है क्योंकि उसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं निकाली जा है, रही हैं इतराज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह सो ये एक रोलिंग टेक्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है उसकी पहली रीडिंग होती है पहली रीडिंग कैसी होती है कि पहली रीडिंग में जो लोग उनके इतराजत होते हैं उसका एक बाकायदा नजमो जब्त है उसका बायदा प्रोसीजर्स है कुछ टैक्स पर आप ब्रैकेट लगाते हैं और उन ब्रैकेट्स को आप कहते हैं कि इन ईश्यूज पर एग्रीमेंट नहीं हुए हुए और फिर आप बात आगे चलाते हैं फिर सेकेंड रीडिंग होती है सेकेंड रीडिंग और पहली रीडिंग के दरमियान ममालिकस में गुफ्तु करते हैं निगोशिएशन करते हैं एक मुल्क दूसरे मुल्क को कहता है कि भाई मैं तुम्हारी ये बात मान लूंगा अगर तुम अपने प्रपोजल में से ये पैराग्राफ निकाल दो फिर पहले मुल्क के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं अगर हम इस पे तैयार हो जाए तो तुम हमें ये कन्सैशन दो सो ये इस तरह से एक पूरा सिलसिला आगे बढ़ता है फिर सिलसिले में ग्रुप्स शामिल हो जाते हैं मुख्तु मुल्क दीरियस ग्रुप्स फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एडॉक ग्रुप्स भी बन जाते हैं मसलन आपने जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो उस वक्त हम सुन रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है उसके लिए इंडिया फॉर एग्जांपल तगोदो कर रहा है और उस पर नेगोशिएशंस हो रही हैं कि अमेंडमेंट ऑफ यूएन चार्टर कैसे हो तो एक ग्रुप जिसमें पाकिस्तान है उसको कॉफ़ी क्लब कहा जा रहा है यानि कि चंद ममालिको कॉफी की टेबल के गर्द बैठ के किसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारा अप्रोच ये होनी चाहिए सो उसको कॉफ़ी क्लब कहते हैं किसी और को G77 कहते हैं सो ये ग्रुप बनते और टूटते रहते हैं हर नेगोशिएशन सेशंस में अब जिस जिसकी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि होता ये है कि कुछ मुल्कों के एक्सपर्ट्स ये पोजीशन दे लेते हैं कि नहीं हमारा ये ख्याल है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए अब ये यूएन कन्वेंशन जिसका मैं आपको कुछ दस्तावेज़ दिखाऊँगा जब ये कन्वेशन अगेंस्ट करप्शन नगोशिएट हो रही थी एज ए ट्विटी तो उस पर कुछ मुल्कों का ये ख्याल था कि आप अगर एक ऑफेंस क्रिएट करते हैं यानी एसेट बियड मींस का ऑफेंस जो हमारे मुल्क में है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के नीचे है जो हमारे मुल्क में नए बॉर्डिनेंस के नीचे है कि अगर आपके पास असासे आपके आपकी कुत खरीद से ज्यादा हैं तो फिर आप अकाउंट फॉर करें तो कुछ मुमालिक ने यह क्वेश्चन रेज किया कि ये इस चीज को ऑफेंस आलमी ट्रीटीम ने बनाना गलत होगा उसकी वजह उन्होंने अपने अपने आइनों का हवाला दिया और कहा कि हमारे आइन में होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी जो है वह एक लजिटीमेट राइट right है अगर हम इसको इसकी कानून साजी एज एन ऑफेंस करेंगे तो हम अपने अपने आइनों के मुतरदफ़ नहीं होंगे या उनके वी विल बी इनकंसिस्टेंट विद देम यह एक पोजीशन थी जो ली गई कई और ममालिक जिसमें पाकिस्तान शामिल था उनका ख्याल था कि नहीं हमें यह बनाना चाहिए बिकॉज बेशुमार या मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने इसको एज एन ऑफेंस किया हुआ है अपने 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 कवानी में सो यहाँ पर नगोशिएट करना पड़ा नेगोशिएशंस के बाद इस नतीजे में और ये कई सेशंस तक नेगोशिएशंस चली और जो लोग इस नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपने अपने एरियाज के एक्सपर्ट्स थे कोई लॉ का प्रोफेसर है कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्न अफेयर्स का रिप्रेजेंटेटिव है सो द क्वालिटी ऑफ इनपुट वॉज गोइंग इन डिस्कशन फॉर दिस काइंड मच मोर हाई प्रोफाइल दैन यू इवन थिंक ऑफ इन योर नेशनल पार्लियामेंट सो कहने का मकसद ये था कि जो आलमी सतह पर कानून साजी होती है या ट्रीटी फॉर्म में होती है उसमें जो क्वालिटी ऑफ इनपुट होता है वो किसी भी तौर उस इनपुट से कम नहीं होता जो पार्लियामेंट में अवेलेबल होता है बल्कि मैं यूं कहूंगा कि पार्लियामेंट में तो यू हैव नेशनल एक्सपर्टीज और यू हैव पीपल हु आर एम और पीपल हु आर सेनेटर्स सो दे सिंपली ब्रिंग इन देयर एक्सपीरियंस एंड यू हैवी दप्शन ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़ इन विच यू कैन कॉल एक्सपर्ट्स टू लिसन टू दैम But in international level, when you are creating a statute at an international level in the nature of a treaty or in the nature of a convention, then the expertise that you take into account is a global character expertise, is an expertise which has a much more wider reach and you have practical experiences of stakeholders and practical experiences not only of people which represent their own government formally, but also of the experts of that specific areas. सो so, अगर कोई ट्रीटी नेगोशिएट हो रही है जिसका काम है न्यूक्लियर मटीरियल से रिलेटेड तो हो सकता है उसमें न्यूक्लियर फिजिस्ट जो हैं वो एज एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हों अगर कोई ट्रीटी आलमी सतह पर नेगोशिएट हो रही है जिसकी नेचर है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बारे में या पेस्टिसाइड्स के बारे में हो तो फिर एन मुमकिन है कि उस ट्रिटी की नगोसिएशन में वो एक्सपर्ट्स शामिल हों जो तो दुनिया भर के एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स माने हुए हैं और इसी तरह अगर कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी बन रहा है तो ना सिर्फ उसमें मुल्कों के रिप्रजेंटेटिव शामिल होंगे बल्कि वो एक्सपर्ट्स शामिल होंगे जो नेविगेशन के मेरी अफेयर्स के शिपिंग के कारगो ट्रांसपोर्टेशन के माने हुए एक्सपर्ट्स होंगे उनके एक्सपीरियंसेस होंगे और एक और तरीका होता है कि जिसमें यू ब्रिंग इन द बेस्ट फॉर दिज कन्वेन्शन इज दैट यू यू ऑल्सो कनेक्ट देश ऑर्गेनाइजेशन जो इन एरियाज में काम कर रही हैं कि आप उनका भी इनपुट जो है फॉर्मली लेते हैं जब आप आलमी सतह पर कानून साजी कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कानून बना रहे हैं व्हिच इज़ अबाउट टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ मेरी एरिया देन नॉट ओनली यू मेक दैट बट आल्सो कंसल्ट इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड यू गैट ए क्वालिटी इनपुट फ्राम दैम दट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ मेरी टाइम इंस्टेंसिस इज देयर पोजिशन ऑन अ गिवन इशू सो दैट इज हाउ यू गेट द बेस्ट अगर आप इंटरनेशनल स्पेस पर कोई काम कर रहे हैं या स्पेस ट्रिटी को बना रहे हैं तो फिर आप जो स्पेस की एक्सपर्टीज़ है यूनाइटेड नेशन में स्पेस एजेंसी की आप उससे एक्सपीरियंस लेते हैं अगर आप कोई और काम कर रहे हैं किसी हेल्थ के इशू पर तो आप डब्ल्यू एच ओ का एक्सपीरियंस जो है उसको आप डव डेल करते हैं यू ब्रिंग इट एज पार्ट ऑफ द निगोसिएशन प्रोसेस नॉट फार्मली बट इनफॉर्मली the other mechanism under which you also bring quality input or professional input in the treaty making is the observer status that lot of uh, entities have or they enjoy so a lot of entities who may not be states because yaad rakhen ki negotiations are hain wo generally states ke darmiyan hain yani states khud faisla karti hain ki unhone kis treaty ki pabandi karni hai aur uske nature uska function uska scope uski jurisdiction uski obligations Kya hongi? so there are examples of uh, negotiations where a special observer status is given to organizations which have relevance and from whom one can get quality input or expertise so that it equips the states for quality negotiations between them. Uh, the example of the un convention on corruption negotiations uh, one can continue to say that, for example, in that particular negotiation process, Transparency International, jo ek normally list maintain hai, that was given on observer status. So Transparency International, world's customs organization was given a specialized observer status. And these entities continued to give technical input in the process of negotiations which helped the states टू कम टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड मोर क्लियर कंक्लूजनस सो ये नेगोशीशन्स जो हैं ये रिजल्ट करती हैं उस कानून को बनाने में जो आलमी कानून का दर्जा ट्री टी की शक्ल में इख्तियार कर जाता है और अभी हम लजिसचर की ही बात कर रहे हैं याद रखिए है कि लजस्लेचर जो है हमारा ये इतराज़ था हमारे जहन में ये ये एक शाइबा था कि आलमी सतह पर जो कानून साजी है वह उस तरह से फॉर्मल नहीं होती जिस तरह लोकल कानून की कानून साजी होती है और हम यह बता रहे हैं और आपको ये परसुएड कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि अगर आप कानून साजी जो आलमी सतह पर है उसका मैार देखें उसका स्टैंडर्ड देखें तो वो बल्कि बहुत बेहतर है उस कानून साजी के इनपुट से जो आपकी पार्लियामेंट में कानून साजी होती है या कि फॉर डैट मैटर किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट में कानून साजी होती है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ और आ, हवाले देना चाहता हूँ टू डेमोस्ट्रेट टू यू कि यह कानून साजी की जो फॉर्मल शक्ल है ये क्या होती है और किसी भी कन्वेशन को जब नगोशिएट किया जाता है तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उसकी पहली रीडिंग होती है फिर दूसरी रीडिंग होती है फिर तीसरी रीडिंग होती है और तीसरी रीडिंग के बाद वो फाइनलाइज होता है मेरे सामने मैं आपके लिए यूनाइट नेशनस का कन्वेन्शन अगेंस्ट करप्शन का जो सेकेंड ड्राफ्ट था यानी कि अभी कन्वेशन अब ये फ़ाइनलाइज हो चुका है लेकिन इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कन्वेन्शन किन तरह से नगोशिएट होता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तफ लकीरें लाइने लगी हुई हैं मुख्तलिफ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और इन ब्रैकेट्स और इन लाइनों से आपको ये आइडिया होता है कि ये रिवाइज टैक्सट है इसको हम रोलिंग टेक्सट कहते हैं इसका कोई भी आप सफ़ा खोल लें तो ये आप देखेंगे कि इस पर गुफ्तु के दौरान जब नगोसिएशन चल रही होती हैं ये सुबह से शुरू होती हैं रात तक रात गए तक या शाम गए तक जारी रहती हैं मुख्तु मुल्क अपने अपना नुक़ः नज़र पेश करते हैं तो फिर आप उस नुक़ नज़र को साइट पर नोट करते हैं टेक्स में चेंजेज़ फिर अनाउंस होती हैं उन अनाउंसमेंट पर किसी को एतराज़ होता है तो वो फिर खड़ा होकर या अपना फ्लोर लेकर वह उस पर आर्ग्यू करता है कि नहीं हमें ये एक्सेप्टबल पोजीशन नहीं है और हम चाहते हैं कि चेंजेज़ हो जाएँ तो यहाँ पर आप उस टैक्स को देखेंगे कि वह टैक्स किस तरह से बार बार या मुख्तफ जगहों पर वो चेंज होता हुआ नज़र आता है और ये टैक्स मुसलसल चल रहा है इसके फुट नोट्स में उन ममालिका जिक्र है जो अपनी अपनी पोजिशन लेते हैं तो इस तरह से दस दिन की नगोसिएशनस के बाद या पंद्रह दिन की नगोसीशन के बाद आप ये टैक्स जो है ये वापस अपने मुल्क में लेकर आते हैं आप इसका मुआना करते हैं और फिर उससे अगले राउंड में आपका डेलीगेशन जो जहाँ जाता है वो फिर उसको एग्जामिन करता है और उस पर गौर करता है तो दर हकीकत जो आप सुनते हैं कि फ़लाने साहब आलमी कॉन्फ्रेंस पर जा रहे हैं या आलमी सेमीनारे जा रहे हैं अमूमन वो कॉन्फ्रेंस जो हैं वो कानून साजी के अमल का कोई हिस्सा होती हैं वो महज एक कॉन्फ्रेंस नहीं होती महज एक तकरीर करने का बहाना नहीं होती बल्कि वो एक बड़े बाकायदा फॉर्मल शक्ल का एक एलिमेंट एक होता है जिसको बाज़ात जाने वाले रिकगनाइज़ नहीं करते मगर उसे करना चाहिए क्योंकि वो उस लजिसशन के अमल का कोई ना कोई कंपोनेंट तस्वर किया जाता है मैंने आपको ये भी बताया कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस नेगोशिएशंस में और इस ड्राफ्टिंग में वो एक्सपर्ट्स होते हैं अब मैं आपके लिए यूनाइट नेशनस की जनरल असम्बली में जो ये कन्वेन्शन नगोशिएट हुआ उसमें जो डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे मैं उनकी लिस्ट लाया हूँ और ये लिस्ट इस चीज़ की गममाज़ है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने अपने एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं मसलन अलजेरिया का जो डेलीगेशन है वो बारह लोगों पर मबनी था और इन बारह में से उसमें उनके मिनिस्टर्स भी हैं उनके लॉ के प्रोफेसर्स भी हैं उनकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के नुमाइंदे भी हैं इसी तरह ये सारे ममालिक आप लिस्ट देख रहे हैं मैं बारी बार इनकी तफस में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑस्ट्रिया है उसको आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन बहुत बड़ा है इसी तरह कुछ के डेलीगेशंस छोटे हैं जिनका इंटरेस्ट इस नेगोशिएशंस में कम है कुछ के डेलीगेशन बहुत बड़े हैं मसलन चाइना जो है चाइना के बारह से ज़्यादा अफराद जो थे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और जब आप इनका इंडिविजल इनके जो नॉम देखें इनके ऑफिसस देखें तो उससे वाजह होता है कि किस क्वालिटी का इनपुट जो है वो इस नगोसिएशन में जा रहा था कोई प्रोफेसर है कोई लॉ का नुमाइंदा है कोई अटर्नी जनरल ऑफिस से है कोई कहीं और से है वगैरह वगैरह ये सब लोग और इस कैलेबर के लोग जब दुनिया भर से इकट्ठे होते हैं और दुनिया भर से इकट्ठे होने के बाद वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं और फिर वो बहस करते हैं एंड देन दे आर्ग्यू एंड दे टेक टेक्निकल पोजिशन दे टेक पोलिटिकल पोजिशन दे टेक लीगल पोजिशन एंड आफ्टर ऑल दैट एक्सटेंसिव नगोसिएशन जो कभी कभी सालों पर फैल जाती है फिर उसके बाद एक कन्वेंशन जो है वो एक फॉर्मल शक्ल में वजूद में आता है जो आलमी कानून बन जाता है तब आपने देखा कि जो आलमी कानून या कन्वेंशन की फॉर्म सामने आती है उसके पीछे कितना तवील अमल है इस कन्वेंशन में ढाई साल लगे कोई और कन्वेंशन है मसलन लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन 1982 का बना उसको दस साल लगे यानि कि उन्नीस से उस पर नगोसिएशन शुरू हुई हर साल उस पर मुख्तलिफ़ इजलास होते थे मुख्तलिफ़ एरियाज़ पर इसी तरह माहरीन बैठते थे और वो माहरी उन एरियाज़ को थ्रेड बियर करते थे और उसके बाद फिर उस हिस्से का एक पोर्शन फाइनलाइज होता था सो दस साल के अमल के बाद एक कानून जब सामने आया तो अगर आप उसको रद्द कर देंगे कह के कि ये कानून नहीं है तो फिर ये गलत होगा महज इस बुनियाद पर कि चूंकि ये मुल्क पार्लियामेंट के फॉर्मल स्ट्रक्चर से नहीं निकला इसे हम कानून नहीं मानते ये एक गलत कंक्लूजन होगा और ये उस तमाम उस एफर्ट उस क्वालिटी इनपुट की नफ़ी होगा जो आलमी सतह पर की गई और अमूमा जब आप ये कंक्लूजन ड्रा करते हैं तो उसमें आपकी बुनियाद जो होती है वो इस कंकलू इस पूरे प्रोसेस की लाइल में भी होती है अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब आप आलमी सतह पर कोई ट्रीटी बनती है तो उसमें बस एक या दो मुल्क जो पावरफुल हैं वह जो चाहते हैं लिख के हमारे सामने रखते हैं और हम उस पर साइन करते हैं और इस तरह से हम अपने मुफादात का सियासी सौदा भी कर देते हैं लिहाजा عالمی कानून तो इन मानों में क़ानून नहीं है लेकिन अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं यूनाइटेड नेशंस की किसी और आलमी इदारे की और उनका फ्यूचर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं कौन कौन से कवानी वो लेकर आ रहे हैं और कौन कौन से एग्जिस्टेंट कवानी की तरमीम कर रहे हैं तो महज़ उन वेबसाइट के फ्यूचर इवेंट से आपको इंटरनेशनल लॉ की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा और उस क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा जो उस क़ानून سازی में जाती है मेरा ख़्याल है इस डिस्कशन के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि आलमी लेजिस्लेशन में अगरचे वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं है मगर लेजिस्लेशन है और वो लेजिस्लेशन जो है वो कानून का दर्जा रखती है और वो एक भरपूर तरीके से लेजिस्लेशन होती है जिसमें जो इनपुट है वो यकीनन उस पार्लियामेंट्री इनपुट से बेहतर है जो एक मुल्क में कानून साजी कर रही है इसलिए जो पहली बुनियाद थी आपके जहन में उसको आप डिमोलिश हो जाना चाहिए और उसकी जगह इस अवेयरनेस को आ जाना चाहिए कि अगरचे आलमी सतह पर वर्ल्ड पार्लियामेंट नहीं है मगर पार्लियामेंट्री फंक्शंस बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म होते हैं दूसरा सवाल यह निशान जो है वो आपका है इसके ऊपर इन्फोर्समेंट के ऊपर कि ये कैसे होगा कानून चलिए बिल्ल साहब आपने हमें लेक्चर दिया कि कानून बड़ी मुश्किल से बनता है उसमें एक्सपर्ट्स शामिल होते हैं उसमें निगोसिएशन होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ बनती हैं एडहाक कमेटीज़ बनती हैं और इस बड़े तवील अमल ऑफ डिस्कशन और, और एक्सपर्टीज़ के बाद दो तीन साल के बाद एक ट्रीटी वजूद में आती है तो अब आप ये बताइए कि इन्फोर्स कैसे होगी बिकॉज हम तो कानून को ये जानते हैं कि कानून बन जाए तो फिर उसको इन्फोर्स होना जरूरी है और अगर वो इन्फोर्स नहीं हो रहा अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो फिर तो कानून ना हुआ ये दुरुस्त है कि आलमी सतह पर कोई आपको डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर नजर नहीं आता यूनाइट नेशन में कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं है यूनाइट नेशनस को आप इन्फोर्समेंट बॉडी के तौर पर ना लें जो लोग अमूमन अपनी जज्बाती तकारीर में कहते हैं कि अवहदा क्या कर रही है अकवा मुत का अपना महदूद जुरस्टिक्शन है और यह जुरस्डिक्शन उसकी ट्रिटी में डिफाइंड है जो उसको क्रिएट कर रही है सो हमने हमने उस तरफ नहीं जाना हमने ये देखना है कि एनफोर्समेंट करने के और क्या हैं, एनफोर्समेंट करने के बेशुमार मैकेनिज्म्स हैं जो आलमी कानून में राइज हैं अवेलेबल हैं उनकी अवेयरनेस उन मानों में नहीं है जिन मानों में लोग डोमेस्टिक लॉ के एनफोर्समेंट देखते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आप सड़क पर से गुजर रहे हैं और सड़क पर से गुजरते हुए एक लाल बत्ती नज़र आती है अब आप लाल बत्ती पर रुक के देखते हैं कि यहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा है नहीं खड़ा आप कहते हैं मैं चला जाता हूं आप चले भी जाते हैं दूसरी सिचुएशन लीजिए वही लाल बत्ती है आपकी गाड़ी करीब आती है या मोटरसाइकिल करीब आता है आप आके वहाँ ब्रेक लगाते हैं और आप फिर इधर उधर देखते हैं तो आपको एक तरफ साइड पे एक बड़ा सा पुलिस वाला नजर आता है जिसकी बड़ी मोटी सी बेल्ट बनी हुई है और आपको पता भी है कि ये भाग के आपको पकड़ भी नहीं सकता अगर आप मोटरसाइकिल तेज़ दौड़ा दें या आप गाड़ी तेज़ दौड़ा दें आप मगर रुक जाते हैं क्यों रुकते हैं इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपके जहन में वो पुलिस वाला स्टेट के एनफोर्समेंट का सिंबल है उसकी प्रेजेंस क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन योर माइंड दैट अ स्टेट एंटिटी इज वाचिंग मी एंड इट इज दैट प्रेशर एंड नॉट दैट दैटर्सन व्हिच फोर्स एंड मोटिवेट्स यू टू पुट योर ब्रेक एंड यू स्टॉप आलमी सतह पर इंटरनेशनल लॉ में इस तरह का कोई कॉन्स्टेबल कहीं नहीं खड़ा हुआ मगर बेशुमार ऐसे अवामल हैं जो आपके जहन पर वही प्रेशर स्टेट के जहन पर वही प्रेशर जनरेट कर देते हैं जो पुलिस वाला आपके जहन पे करता है जब आप चौक में खड़े होते हैं और वो प्रेशर जो है स्टेट्स को फोर्स करता है कि वो आलमी कानून की एनफोर्समेंट और कंप्लाइंस करें और उसकी इतात करें वो प्रेशर जो है वह जब जनरेट होता है उसके बेशुमारामिल हैं उसके बेशुमार फीचर्स हैं उसके बेशुमारोर्स हैं उसके बेशुमार आ, 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 उसकी बेशुमार वेन्यूज़ हैं जहाँ से वो प्रेसिडेंट रेट होता है कहीं वो डिप्लोमेटिक प्रेशर है डिप्लोमेटिक एलिनेशन का प्रेशर आपको ये खौफ दिया जाता है कि अगर आपने पाबंदी ना की आलमी कानून की तो आप तनहा रह जाएंगे तो फिर बाकी मुल्क रेसिप्रोकल बुनियाद पर आपके साथ काम करना बंद कर देंगे या आपके साथ भी वायलेशन शुरू कर देंगे ये एक बहुत बड़ा खौफ है ये खौफ इसलिए बड़ा खौफ है और ये आपके माइंड पर वही प्रेशर जनरेट करता है जो पुलिस वाला चौक पे करता है क्योंकि आप तनहा नहीं रहना अफोर्ड कर सकते आजकल के दौर में जब इतनी कानून साजी हो रही है इतनी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हो रही हैं यू नो दैट इफ यू विल बी एलिनेटेड टूडे टू यू विल नॉट है पार्टनर टू स्टैंड अपड टू सपोर्ट यूर पोजिशन आपको वो लोग आपको वो ममालिक सामने ही नहीं आएंगे जो आपकी पोजिशन पर आपका साथ दें जब आपको जरूरत सो so, आज आप उस कवानीन की पाबंदी करके ये बताएं कि आप एक रिस्पांसिबल स्टेट हैं और आप पाबंदियों की ऑब्लिगेशंस की कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं तो फिर तो बात है कि लोग आपके साथ चलेंगे और ममालिक आपके साथ चलेंगे और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर यू हैव दिस सेम साइकोलॉजिकल प्रेशर जो एक स्टेट के इज्तमाहीहन पर प्रेशर जनरेट होता है फिर ये प्रेशर मुख्तलिफ हवालों से आता है आपको ये नज़र आता है कि अगर आपने कानून की खिलाफ वर्जी की या इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की तो दे रेजोल्यूशन पासड अगेंस्ट यू अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं जी इस रेजोलूशन का क्या फ़ायदा एक कागज़ का एक टुकड़ा है छोड़ें इसे इसको हम फाड़ के फेंक सकते हैं आप रेजोल्यूशन पास करते रहें इसराइल के खिलाफ बेशुमारेजोलूशन पास हुए अमरीका के खिलाफ रेजोलूशन पास हुए क्या फ़ायदा हुआ ये बात एक मनतकी हद तक तो दुरुस्त नज़र आती है कि कैन नॉट फोर्स अ पॉलिटिकल रियलिटी टू चेंज बट फैक्ट इज दैट इट इज अ कंसेंसस ऑफ एन इंटरनेशनल ह्यूज कंसेंसस और अगर आपने इराक के एपिसोड का लीगल मुताल किया हो तो आपने देखा होगा कि जब शुरू में इराक़ की जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका जो सबसे पावरफुल कंट्री है आज दुनिया की अमेरिकन व्यू ये था कि हमें اقوام متحدہ की ज़रूरत नहीं है और हम अगर चाहेंगे हमला करना तो हम करेंगे और हमें اقوام متحدہ की सेंकशन अप्रूवल की थ्रू रेजोल्यूशन चैप्टर सेवन की जरूरत नहीं है लेकिन जब वो हुआ और हालात वहाँ बिगड़ने शुरू हुए तो अब वही अमेरिका है जो अकवा मुतहद से दोबारा रुजू किया जाता है और ये कहता है कि हमें बेल आउट करवाएं बाय अप्रूविंग लार्जर फोर्स बाय क्रियटिंग अक्शन फॉर दिस एंड सो ऑन सो फोर्थ नाव दोज एलाइज विच डिसगली करेक्ट आर इन पोजिशन टू डिकटेट देर टर्म्स विद यू एस सो आपने देखा कि अगरचे आपने एक दफा एफर्ट करके मूव कर भी ली मगर वह मूव जो है उसके जो रिप्रिकॉशन हैं वह फिर आपको फेस करने पड़ते हैं वो एक ताकतवर तरीन मुल्क को भी फेस करने पड़ रहे हैं और आज भी आप इसको इस नज़र से देखिए अगरचे अमरीका ने यह एक दाम किया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की एक इनोवेटिव इंटरप्रटेशन करने के बाद जस्टिफिकेशन क्रिएट की अपने अटैक की मगर विद इन अमेरिका बेशुमार लॉयर्स अमेरिकन बार एसोसिएशन इस कानूनी मौक़ की खिलाफ में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत बोला है कि ये मौक़ या स्टेट डिपार्टमेंट का ये ऑफिशियल लीगल स्टांस जो था ये टेक्निकली इनक्रेक्ट था सो इससे दो तीन चीज़ें सामने आती हैं पहली तो ये है कि आप अगर कोशिश भी करें वायलेशन की तो वायलेशन करने के बाद आपको उसके रिप्रकॉशन सहने पड़ते हैं अगर आप एक कमज़ोर मुल्क हैं तो फिर ये रिप्रकॉशन बहुत सवेयर हो सकते हैं ये बहुत सीरियस हो सकते हैं और अगर आप एक ताकतवर मुल्क हैं तो भी ये आपको एक सीरियस डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं एक अम्बेरसमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह आपने देखा कि आलमी कानून की वायलेशन अमरीका ने एक दफ़ा तरीके से की कि कोई दस बारह साल पहले का वाक़ है कि यासर अरफ़ात का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया अब यासर अरफात को वीज़ा यूनाइट नेशन ने इन्वाइट किया था यू एन की जनरल असम्बली ने कि शुड एड्रेस ऑफ यूनाइट न्यू यॉर्क अब न्यूयॉर्क अब यूनाट नेशनस का और अमरीका का जो अग्रीमेंट था वो हेड क्वार्ट अग्रीमेंट कहलाता है वह अग्रीमेंट ये कहता है कि जब अकवा मुतहद किसी भी मंदूब को इन्वाइट करेगी तो अमेरिका पर एज अ होस्ट कंट्री लाजि है कि वह उसको वीज़ा ईशू करे जब इन्विटेशन एक्सटेंड हुआ या सिर रफ़ात ने वीज़े के लिए अपलाई किया वीज़ा टर्न डाउन हुआ जनरल तो असम्बली ने कंडेमिंग रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट न सिर्फ ये किया बल्कि इन अनप्रेसिडेंटेड मूव यू की जनरल असम्बली ने अपना इजलास जिनीवा में शिफ्ट किया और यासरफात को वहां कहा कि हमने चूंकि इनविटेशन एक्सटेंड किया हुआ है सो आलमी सतह पर चाहे आप पावरफुल मुल्क हो सतह पर तनहाई का एहसास बहुत खौफनाक एहसास है आज के तनाजुर में तो so, जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये वो एनफोर्समेंट के प्रेशर्स हैं जो एज अ स्टेट आप पर फील होते हैं और इसी तरह बेशुमार और मेकेजम्स भी हैं ये तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कुछ ट्रीटीज ऐसी हैं जिनमें एनफोर्समेंट की बाकायदा प्रोविजंस मौजूद हैं और वह प्रोविजन आपको एनेबल करती हैं कि आप उसको इन्वोक करें मसल अब ट्रीटीज़ जो आती हैं जो हमारे सामने आ रही हैं वो वो इदारे कायम करती हैं जो इदारे उस ट्रिटी को इन्फोर्स करते हैं तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन या कैसो सुना होगा जो सी टी बी टी के थ्रू वजूद में आई इस पर तो बड़ी डिबेट पाकिस्तान में कुछ साल पहले चल रही थी कि हमें रेटिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बेशुमार लोगों ने सी टी बी टी को पढ़ा भी है और जिन लोगों ने पढ़ाया अगर आपने नहीं पढ़ा और आप पढ़ पढ़ लीजिए तो उसमें एक इदारा उन्होंने इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रसिव ट्रिटी नहीं कॉम्प्रेंसिव टेस्ट बैंड ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन (C.T.B.T.O.) C.T.B.T.O. का काम यह है कि सी जिन मुल्कों ने रेटिफाई कर लिया है उस पर उसको वो इम्प्लीमेंट करें सो एक इदारा कायम हो गया और जो मुल्क अगर कोई वायलेट करता है तो उस वायलेशन को रिपोर्ट करने का कंप्लीट मैकेनिज्म है कि आप इतने टाइम में इतने दिनों में इसको वायलेशन को रिपोर्ट करेंगे जब वो रिपोर्ट उस इदारे तक पहुंचेगी वो इदारा उस मुल्क से पूछेगा वो मुल्क जो है अपनी जस्टिफिकेशन बताएगा तफसीत से आगा करेगा अगर वो इदारा सेटिसफाइड नहीं है तो वो कुछ इकदाम कर सकता है उन इकदाम में एक इकदाम यह है कि यूएन एन सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट भी करें सो एक पूरा मैकेनिज्म एन्फोर्समेंट का आ गया इसी तरह यूएन एन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो है उसके नीचे एक पूरा इदारा बना हुआ है उसके नीचे जुडिशल फोरम बना हुआ है तो आप फिर उस इदारे तक दादरसी करते हैं ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड सो इन्फोर्समेंट के मेकेनिज़म दुनिया में अब अब इंटरनेशनल ट्रिटीज़ में बहुत खुल के सामने आ रहे हैं सो अब ये नहीं कहा जा सकता कि जो इंटरनेशनल लॉ से एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट था कि इन्फोर्स नहीं हो सकता ये दुरुस्त है ये एक मफरूज़ा था जिस पर एक ओवर सिंप्लीफाइड मफरूज़ा था अब इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्सेबल है और चाहे वह सेलेक्टिवली इन्फोर्सबल है चाहे वो प्रेशर में इन्फोर्सबल है उनकी उसकी इन्फोर्सबलिटी जो है वह मुसलम है मैं आपको और भी बहुत सी एग्जाम्पल दे सकता हूँ मगर मैं अब वक्त की कमी की वजह से एग्जेक्टिव जुडिशरी की साइड पर आना चाहूँगा ये भी सवाल है कि जी पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में एक हाई कोर्ट होता है एक सुप्रीम कोर्ट होता है तो जिस आदमी को कोई मसला हो किसी एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ कानून के खिलाफ वो सादा उस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है उसे इंसाफ मिलता है तो अगर कोई स्टेट आलमी सतह पर डिससेटिस्फाइड है तो वो कहाँ जाए वो किसका दरवाज़ा खटखटाए वो किस फोरम किस अदालत में जाए और कहे कि जी मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ ये ज़्यादी हो रही है ये तो तय है कि उन मानों में कोई अदालत नहीं है जिन मानों में आप एक अदालत को देखते हैं डोमेस्टिक लॉ में मगर उसके बावजूद बेशुमार अदालती फोरम ज्यूडिशियल फोरम्स एग्जस्ट अंडर इंटरनेशनल रजीम्स व्हिच प्रोवाइड स्पेसिफिक रिलीफ इन देयर एरियाज़ होता क्या है जिस तरह मैंने आपको एग्जेक्टिव की एग्ज़ाम्पल दी बेशुमारीविटीज अब ऐसी हैं जो जुडिशल फोरम्स रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स का मैकेजम प्रोवाइड करती है सो so जब आपको उस ट्रीटी के हवाले से कोई तकलीफ हो तो फिर आप उस फोरम में जाते हैं जो फोरम उस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है और आप कहते हैं कि जी आई वॉन्ट रिड्रेसल ऑफ माई ग्रीव इंस्टेयर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी यूनाइटेड नेशन कन्वे लॉ ऑफ दी की यह एक बहुत बड़ा कन्वैशन है बहुत अहम कन्वे है क्योंकि ये दुनिया भर की समुन्द्री हदूद पर मुल्कों के हकूक़ का तयन करता है उनको मुख्तल राइट्स देता है अब इसी ट्रिटी ने एक अदारा बनाया जिसका नाम है सी बेड अथॉरिटी और सी बेड चैम्बर जिसमें एक जुडिशल फोरम कायम है और इस जुडिशल फोरम में ममालिक अपनी अपनी ग्रीवेंस लेके जा सकते हैं यानी अगर आप ये समझते हैं कि किसी जहाज़ ने आपकी समुंद्री हदूद की वाइलेशन की है तो कुछ तो हकूक आपके पास भी हैं लेकिन एक मखसूस अदालत इस काम के लिए बनी हुई है जिस तक आप जा सकते हैं और अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं कह सकते हैं कि जनाब ये मेरे साथ ज़्यादी हो रही है ये कौन से मुल्क का जहाज़ है जो मेरे मुल्क के समंदरी हदूद में मेरी फिशज मेरी फिश को पकड़ रहा है या मेरी मदनियात ख़राब कर रहा है तो इसको काइंडली देखें और वह उसकी कॉग्निजेंस लेगा इसी तरह बेशुमार ट्विटीज़ हैं बाइलेट्रल भी जिनमें जुडिशल फोरम्स प्रोवाइडेड हैं मसला एक ट्विटी का तो जिक्र आपने जानते होंगे इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब उस ट्रीटी के अंदर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज को रिजॉल्व करने का एक बड़ा तफसीली मेकेज़म है अवल तो उन्होंने डिस्प्यूट्स को भी मुख्तलिफ सतह दी दी है कहीं उसको क्वेश्चन कहा कहीं से डिफरेंस कहा कहीं से डिस्प्यूट कहा उसके अंदर एक मेकेनज़म बता दिया कि जी अगर एक मुल्क को दूसरे मुल्क के किसी आबीर पर कोई काम करने में एतराज़ है तो उसका तरीका यह है कि वह इस तरह से प्रोसीड विद करें इस तरह से आर्बिट्रेशन वोक करें न्यूट्रल एक्सपर्ट्स अपॉइंट करवाएं, वेरीफ़ाई करवाएं, उसके बाद फिर वो बाकायदा कोर्ट बनेगा और उस कोर्ट में वो मामला जाएगा अगर उसकी ज़रूरत पेश आती है तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने बगलियार डैम के इशू पर इस इशू को प्रेस किया और इन ट्री टी की इन प्रोविजन को इन्वोक किया और उस इन्वोकेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मामला न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की एग्जामिनेशन तक पहुँचा अभी ये मामला वहां पर पेंडिंग है हो सकता है जब आप इसको देखें लेक्चर को तो मामला और आगे जा चुका हो लेकिन जो बुनियादी बात कहने वाली है इस लेक्चर के हवाले से वो ये है कि अगर ये मैकेनिज्म किसी ट्रीटी में ना होता तो आपके पास कोई दाद रसी का और फोरम नहीं था सो ये कहना कि इंटरनेशनल बिल्कुल ही उसमें कोई जुडिशल फोरम नहीं है ये गलत है मैं आपको बेशुमार और एग्जाम्पल दे सकता हूँ मसलन बाइलेट्रल ट्रीटीज होती हैं जो इन्वेस्टमेंट्स की प्रोटेक्शन की बात होती हैं उसमें एक मुल्क दूसरे मुल्क से करता है पाकिस्तान ने स्विट्जरलैंड से किया हुआ है पाकिस्तान ने मलेशिया से किया हुआ है उस ट्रीटी में क्या लिखा है उस ट्रीटी में ये लिखा है कि अगर पाकिस्तानी कोई मलेशिया में इन्वेस्टमेंट करता है या मलेशियन कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आ, कोई से प्रॉब्लम आ जाती है तो उस सूरत में वो अपना प्रॉब्लम लेकर एक इंटरनेशनल न्यूट्रल आर्बिट्रेशन फोरम में जाएगा और उस फोरम में वो ये इशू को रेज करेगा कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादा हो रही है और आप मुझे हेल्प आउट करें और वो फोरम मैंडेट्री जूरिस्टिक्शन रखता है वो फोरम जो है वो बायदा आर्बिट्रेट करेगा और ये देखेगा कि क्या इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दूसरे मुल्क ने एक्सप्रोप्रिएट किया है या नहीं किया सो तो उसके पास अवेलेबल इसी तरह जो आप सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं आलमी अदालत यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो सबसे वेल नोन अदालत है क्योंकि वो सियासी इशूज़ को डील करती है मगर वहाँ पर आ, आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक के दोनों मुल्क राजी ना हो ये वो ट्रीटी यानी कि आईसीजे का जो स्टैट्यूट है वो खुद ये बात कहता है सो वो एक सिलेक्टिव फोरम है जिसमें एक मखसूस मामला को लेके जाया जा सकता है उसमें और भी तरीके से मामले को लिया जा सकता है जिस तरह के आप यू कैन फाइंड कैन मेक रेफरेंस टू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ द यूएन एंड सो ऑन फोर्थ सो दैट ज्यूडिशियल फोरम इज आल्सो अवेलेबल फॉर दंट्रीज समाइम आर्बिट्रेशन जिन्हें आप कहते हैं सो रन ऑफ कच में पाकिस्तान ने एड आर्बिट्रेशन का ऑप्शन प्रीफर किया और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एडॉक आर्बिट्रेटर्स बनाए गए जिन्होंने एक अवॉर्ड दिया और उस एवॉर्ड के नतीजे में रन ऑफ कच का इलाका जो था उस पर टेरिटोरियल बाउंड्री फाइनलाइज की गई सो ये नहीं कहा जा सकता कि आलमी सतह पर या इंटरनेशनल लॉ में ज्यूडिशियल फोरम्स नहीं हैं इंटरनेशनल लॉ में जुडिशल फोरम्स हैं उनकी स्कोप अलग है उनकी जुडिस्टिक्शन अलग है वो उन मानों में नहीं है जिन मानों में आप डोमेस्टिक लॉ में एक जुडिशरी को देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैंने अब तक आपको ये परसुएड किया होगा और आपको ये बताया भी होगा कि इंटरनेशनल लॉ के बारे में ये सवाल उठना कि यह लॉ है या नहीं ये एक बुनियादी सवाल था अब इस सवाल की अफादियत कम हो गई है क्योंकि यह तय पा चुका है कि इट इज़ अ लॉ ये भी तय पा चुका है कि अगरचे आप उस लॉ को जब कम्पेयर करते हैं डोमेस्टिक लॉ से कम्पेरिज़न नहीं होना चाहिए अगर ये कम्पेरिज़न होता भी है तो भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में फॉर्मल लजिस्लेशर ना सही उस जैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं फॉर्मल एग्जेक्टिव ना सही इन्फोर्समेंट होती है फॉर्मल जुडिशल ऑर्गन ना सही बेशुमार जुडिशल ऑप्शन के थ्रू उसकी इन्फोर्समेंट होती है तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ लॉ द रीज़न वाई परीपल रेज इशूज़ बिकॉज द वायलेशन आर ऑफर रिपोर्टेड मोर अखबार में हमेशा ये खबरें ज़्यादा आती हैं कि लॉ की वायलेशन हुई यह खबर नहीं आएगी कि लॉ की आज कम्प्लाइंस हुई So, on violations' ki khabaron ki buniyad you should not come to this oversimplified and a very elementary conclusion. It is not a law based on what I have said, you what I have told you today. I think you will come to this belief that international law is a law.